السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जमा कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 72। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وإذ और जब कतल तुमने कत्ल किया, तुम सब ने कत्ल किया, माजी का सेकंड पर्सन है, जमा का सेवा। नफ्सन यानी जान, नफ्स। इत्तारातुम, तुम एक दूसरे पर इल्जाम, तुमने इल्जाम डाला एक दूसरे पर। दाल रा हमजा इसका रूट है। दरा मने होता है धक्का देना और फेंकना, धक्का देना फेंकना, इल्जाम को एक दूसरे पर डालना, झगड़ना भी कहते हैं इसको। फी माने में, हा माने की नफ्स, उसके ताल्लुक से तुम झगड़ने लगे। वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन निकालने वाला है। खा रा जीम इसका रूट है, इसका मतलब होता है खरज माने खराजा निकलना और उससे अखरजा निकालना, उसी से बनता है मुखरिज निकालने वाला। मा माने जो, कुंतुम तुम लोग थे, तक्तुमून छुपाते, जो तुम छुपाते थे छुपा रहे थे। काफ ता मीम इसका रूट है, इसका मतलब होता है छुपाना, ये लफ्ज पहले आ चुका है। तक्तुमून मुजारे का ये सेकंड पर्सन है, अलामत मुजारे इसमें ता है, जमा का सेवा बाउनून जमा। और जब तुमने एक शख्स को मार डाला, फिर एक दूसरे पर उसका इल्जाम डालने लगी, हालांकि अल्लाह को जाहिर करना मंजूर था जो कुछ तुम छुपाना चाहते थे। فَقُلْ يَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فمنك تو قلنا هم نے کہا اضربوا مارو तुम सब मारो। अमर का सेगा है जमा का। जाद रा बाइस का रूट है, जर्ब माने मारना, हु माने इसको, बी माने के जरिए, बाज माने बाज हिस्सा टुकड़ा कुछ हिस्सा, हा ये जमीर लौट रही है बकरा की तरफ, जो पीछे बकरा के बारे में आ रहा था, बकरा के बाज हिस्से को इस पर मारो। कजालिका इस तरह, युही को जिंदा करता है, अहया युही माने होता है जिंदा करना। हा या इसका रूट है, ये कई बार आ चुका है। अल्लाह युही अल्लाह, अल्लाह जिंदा करता है, अलमोता मुर्दे को, मरे हुए। वा और यूरी को दिखाता है, यूरी वो दिखाता है। रा हमजा या इसका रूट है, अरा यूरी, रा माने होता है देखना और अरा दिखाना, रा हमजा या इसका रूट है। वह यूरी वो दिखाता है तुम, तुमको, आयाती माने निशानियां, ही माने उसकी, वो दिखाता है तुमको
उसकी निशानियां, अपनी निशानियां। लाला माने ताकि तुम लोग काफिलून समझ जाओ। आइन काफ लाम इसका रूट है आपके समझना। काफिलून मुजारे का सीगा है। बस हमने हुक्म दिया कि मारो इस मुर्दे को इसके एक टुकड़े से। इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और वो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। देखिए तुम कसत कुलूबुकुम, मिन बाद ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्द क़स्वा وإن من الحجارة أشهد थोड़ा अच्छे से पढ़िए। لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ। सुम्मा माने फिर, कसत माने सख्त हो गया, कुलूब माने दिल, कसा काफ सीन वाव इसका रूट है, कसा मान होना सख्त होना, ता ये इसमें मौनस की अलामत है थर्ड पर्सन की। कुलूब माने होता है दिल, कल्ब इसका सिंगुलर है, काफ लाम बा इसका रूट है। लफ्जी मतलब है बदलना पलटना, बदलना पलटना। कुलूब माने दिल और कुम तुम लोगों के दिल, कुलूबुकुम तुम लोगों के दिल या तुम लोगों की पलटने की सलाहियत, बदलने की, चेंज होने की सलाहियत। मिन बाद ज़ालिक इसके बाद, ये कई बार आ चुका है, पूरा तर्जुमा कर रहे हैं। पा तो हिया माने ये यानी के कुलूब, ये तुम्हारे कुलूब तुम्हारे दिल। का माने जैसे, अल हिजारा माने पत्थर, औ माने या और बल्कि भी इसका तर्जमा और या भी। अशद माने ज्यादा शदीद, कसवा माने सख्ती, ये काफ सीन वाव इसी से बना है, कसवा सख्ती। वा माने और, इन्ना बेशक, मीन माने से, अल हिजारा माने पत्थर, पत्थर से, मा लाम का तर्जमा नहीं ताकीद के लिए, से मा माने जो, पत्थर में से बास पत्थर ऐसे हैं जो, यतफत जरू फूट पड़ते हैं, फूट पड़ता है या पड़ती है उनसे, अल अनहार नहरे, मीन माने से हु, ये जमीर जो जा रही है माँ की तरफ, उनसे फूट पड़ती है नहरे। पा जीम रा इसका रूट है, पा जीम रा, तफज्जरु माने फट पड़ना,
फाजीम राय सरूत है, फज्र। फज्र भी इसलिए कहते हैं फज्र को क्योंकि वो अलग हो जाती है रात से, अंधेरे से फट जाती है, इसलिए उसको फज्र कहते हैं। इंफिजार धमाके को कहते हैं, फटने को। फाजीमरा माने फटना, फाड़ना। मिन माने से, हू माने वो, उससे अल अनहार नहरे, नहरे फूट पड़ती हैं। व इन मिनहा, और उनमें से बाज ऐसे हैं, यानी मिनल हिजारा, वही पीछे वाला जो हमने बताया था पीछे, वही तरकीब यहाँ है, मिन अल हिजारा। और पत्थरों में से बाज ऐसे हैं, माँ जो, यश्शक्कु, फट जाते हैं। शक्क, शक्क कहते हैं फटन को, शक्का फाड़ना, शक्क फटन, फट जाते हैं, ये मुजारे है, यश्शक्कु फट जाते हैं। पा तो यखरुजु, निकल जाता है। खाराजीन मतलब निकलना, यखरुजु मुजारे में हाल का तर्जमा होगा, यखरुजु निकल जाता है। मिन माने से, हू माने उससे निकल जाता है, अलमा माने पानी। इन्ना व इन्ना बेशक, मिनहा उनमें से बाज ऐसे हैं, माँ जो, यह बितु गिर जाते हैं। हा बापा माने गिरना उतरना, हा बापा गिरना उतरना पहले भी आ चुका है। मिन माने से, खशिया माने डर, अल्लाह माने अल्लाह, खशियतिल्लाह अल्लाह का डर। खाशीन या इसका रूट है, खशिया माने डरना। वा माने और, माँ माने नहीं, अल्लाह, अल्लाह नहीं। बेगाफिलिन गाफिल, बेखबर। गा गाइन पा लाम इसका रूट है, गाफिल माने बेखबर। सारा आपका कैमरा क्यों बंद है? सारा अम्मा उन चीजों से जो, अन माने से, माँ माने जो, उनसे जो, तामलून तुम करते हो। आइन मीन लाम माने अमल माने करना, काम करना। तामलून तुम करते हो, मुजारे का सेकंड पर्सन जमा का सेवा है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वो पत्थर की मानिंद हो गए, मानिंद माने जैसे, या उससे भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में बाज ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, बाज पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और बाज पत्थर ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهم يعلمون آمانے کیا تطمعون تم امید رکھتے ہو طا میم عین طا یہ والا طا تانی طا طا میم عین طمع اس کا مطلب ہے امید اور ایسی امید جو بہت زیادہ ہو यकीनी एक तौर से बड़ी उम्मीद। अन युमिनू के ये लोग ईमान ले आए। पहले बता चुके हैं पिछले सबक में भी आया था, अन मुजारे के शुरू में लगता है, अगर मुजारे के आखिर में नून तस्निया का या जमा का होता है उसको हटा देता है, माने मजदर के करता है। के लोग ईमान ले आए, क्या तुम इसकी उम्मीद रखते हो? लकुम तुम्हारे लिए ईमान ले आए, तुम्हारी वजह से, यानी तुम्हारे कहने से, तुम्हारी वजह से ईमान ले आए, क्या तुम इसकी उम्मीद रखते हो? वक़द हालांकि, काना था, व
वक़द काना हालांकि था फरीकुन माने एक फरीक एक ग्रोह एक जमात फा रा काफ इसका रूप है। मिन माने से हम माने ये लोग इन लोगों में से एक फरीक था यस्मऊना सुनता था सीन मीम आइन समा माने सुनना वो सुनता था कलाम अल्लाही अल्लाह की बात काफ लाम मीम माने बात बात करना कलाम सुम्मा फिर युहर्रिकूनहु वो बदल देता था हु माने उसको यानी कि कलामुल्लाह को अल्लाह की बातों को हर्रफा माने बदलना हराफा इसका रूट है युहर्रिकून वो बदल देते हैं हु उसको हु माने वो उस उसको बदल देते हैं यानी अल्लाह की बात को अल्लाह के कलाम को मिन बादी बाद इसके कि वो उसको समझ ले अकलू उसको समझ ले ऐन काफ लाम माने समझना पीछे आ चुका है अभी बिल्कुल ऐन काफ लाम समझना अकलू ये माजी का सिगा है थर्ड पर्सन जमा का अकलू उन सब ने समझ लिया बाद इसके कि उन लोगों ने उसको समझ लिया था वो उसको बदल देते हैं वहूं हालांकि इस हाल में यालमून कि वो उसको जानते हैं ऐन लाम मीम इल्म माने जानना यालमून वो जानते हैं। क्या तुम ये उम्मीद रखते हो कि यहूद तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे हालांकि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अल्लाह का कलाम सुनते थे और फिर उसको बदल डालते थे समझने के बाद और वो जानते हैं وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِذَا أُرْجَبْ لَقُوا وہ ملتے ہیں وہ سب मिलते हैं लाम काफिया इसका रूट है लकिया माने मिलना मुलाकात करना अल्लदीना उन लोगों से आमनु जो ईमान ले आए आमनु माजी का सेगा है और जमा का सेगा है आमनु वो सब ईमान ले आए कालू तो कहते हैं काफ बाउला कालू माजी का सेगा जमा का तो कहते हैं आमन्ना हम भी ईमान ले आए ये आमन्ना हम ईमान ले आए फर्स्ट पर्सन जमा का सिगा है वइजा और जब खला वो खला माने होता है खाली होना या खाली जगह में अकेले में किसी से मिलना वो खाली होते हैं बाज और जब खाली होते हैं उनमें से बाज बाज के पास यानी अकेले में मिलते हैं किला माने की जानिब बाज माने कुछ बाज लोग माने उनके बाज लोग किला बाजिन बाज की तरफ बाज लोगों की तरफ कुछ लोगों की तरफ पालू तो कहते हैं आ क्या तुहद्दिसूना तुम बताते हो बात करते हो हा दा सा इसका मतलब होता है बात करना उसी से बनता है हदीस गुफ्तगु मुहादसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी हदीस कहते हैं हदीस तो हदीस बात गुफ्तगु उसी से बना है तुहद्दिसूना तुम लोग बात करते हो उन लोगों से बिमा उस चीज के बारे में फतहल्लाहु जिसको अल्लाह ने खोला है अलैकुम तुम पर फतह माने खोलना अल्लाहु अल्लाह ने खोला फतह अल्लाह ने खोला अला माने पर तुम पर खोला
ली ताके युहाज्जू कि वो हुज्जत करे तुम तुम्हारे साथ भी ही उस बात के जरिए इंदा रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास इंदा माने पास रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास तुम्हारे खिलाफ दलील पेश करे हा जीम जीम इसका रूप है इसका मतलब होता है हुज्जत दलील सबूत अफला क्या नहीं ताकिदून तुम लोग समझते हो आइन काफ लाम आखिर पीछे आ चुका है और ताकिदून मुजारे का सेगा है आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन जमा का तुम सब समझते हो क्या नहीं तुम सब समझते हो जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हुए हैं और जब वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उनको वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है कि वो तुम्हारे रब के पास तुमसे हुज्जत करे क्या तुम समझते नहीं चलिए ये आज का सबक है आपका अच्छे से याद कीजिएगा और अलग अलग वर्ड्स को अल्फाजों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि समझने में आसानी हो आगे और आप खुद से समझ लीजिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।